नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले दो महीनों से संघर्ष जारी है और दुनिया की कई बड़ी ताकतें भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। पश्चिमी देशों के इस रुख से अब चीन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। कल की ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बर्टन की चीन के खिलाफ टिप्पणी से तिलमिलाए चीन के राजदूत सुन विडोंग ने ब्रिटेन को जवाब दिया और कहा कि भारत और चीन में इतनी बुद्धि है कि वो दोनों आपसी मुद्दों को आपस में सुलझा सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश उच्चायुक्त ने लद्दाख सीमा से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन की दादागिरी पर सवाल उठाए थे। वहीं भारत को पहले ही समर्थन दे चुके अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास बंद कर चीन को मुश्किल में डाल दिया है। चीनी राजदूत सुन विडोंग ने एक बयान में कहा कि भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा चीन के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो पूरी तरह से गलत है और उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। इसके साथ ही चीनी राजदूत ने कहा कि साउथ चाइना सी में असली चुनौतियां इस क्षेत्र के बाहर की शक्तियाँ हैं जो क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को बढ़ाती हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कम करती हैं। हांगकांग मामलों पर चीन कोई भी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि महाशक्तियों से घिरने के बाद चीन कितना परेशान है और बौखलाहट में क्या कर रहा है।